टू माई चैनल दीपक दिया खन्ना। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, दिया भी बहुत अच्छी है। तो आज मैं आपके लिए एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। इसकी रिक्वेस्ट कम से कम मुझे 2 महीने से आ रही थी। सो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए वो वीडियो बना ही दूँ। तो रिक्वेस्टेड वीडियो क्या है, गेस करो, गेस करो। चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देती हूँ आप लोगों को। तो रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे होम की, होम टूर की। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मैं होम टूर ही करवा देती हूँ। बहुत टाइम से रिक्वेस्ट थी गीता मीना जी की और भी बहुत सारे लोगों ने करी थी। तो फाइनली आज मैं अपना होम टूर करा रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। छोटा सा घर है मेरा और कुछ ज़्यादा हाई फाई घर नहीं है, सिंपल सा घर है। मिडिल क्लास जैसे लोगों का होता है वैसे ही है। और मैंने बहुत मन से सजा रखा है और दियू के साथ फैली जाता है। आप लोगों को पता है दियू बहुत ही उधम मचाती है। तो जैसा भी है जो भी है आप लोगों को मुझे रियल में बताना, कोई तारीफ मत करना। जैसे घर है बस ही बताना, तो अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेन गेट से, ठीक है? तो चलिए आज घर दिखाती हूँ आपको, मैं घर की सैर कराती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको छत दिखा देती हूँ, एक लुक दे देती हूँ फटाफट से। सो ये है मेरी छत, आप लोग बहुत बार देख चुके हैं। ये मेरी छत है, सामने बाथरूम है और ये देखो कुछ इस तरीके से मेरी छत है, पूरी छत। तो मैं वापस जा रही हूँ उल्टे पैर, ठीक है? तो नीचे चलते हैं। तो आ गई हूँ मैं नीचे अगेन और बाहर से जो शोर आ रहा है प्लीज़ उसको अवॉइड करना। तो आगे चलेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड पे ये मेरा बाथरूम है और ये मेरी आप कह सकते हो बाथरूम, लेटरिंग, जो भी कह सकते हो। तो ये साइड में मेरा इस तरीके से है, साइड में ये बाथरूम है और ये वॉश बेसिन रखा हुआ है और ये है आंगन मेरा, छोटा सा आंगन है आप देख लीजिए। ये जीने के नीचे मैंने चारपाई रखी हुई है, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, बाहर ही कपड़े धोती हूँ मैं। ये जीने के नीचे रखा हुआ है तो कोई पानी वानी भी नहीं आता। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो ये है मेरा सेकेंड मेन डोर, तो ये ओपन ही है। चलो चलते हैं अंदर। तो ये साइड में मैंने यहाँ पे एक चेयर रखी हुई है क्योंकि दीदी बैठती है बाहर तो फिर इसको चाहिए होती है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक रैकेट टंगा हुआ है और ये लॉक वगैरह जब कहीं बाहर जाना होता है तो यहीं से लॉक वगैरह उठाते हैं हम। और ये चलते हैं और ये देखिए मेरे घर का मेन पार्ट, ये मेरा वॉल पेपर जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दीपक के नेम से है। तो ये मेरा वॉलपेपर और ये इस तरफ मेरी सबसे पहले किचन पड़ती है। तो मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। किचन में चलते ही सबसे पहले मैंने एक चेयर रखी हुई है दीपक की, इसके बाद बहुत चेयर है तो समझ में नहीं आता कहाँ रखूँ। मैंने पहले इसको बंद करके रखी हुई थी, इस वाली चेयर को मैंने बंद करके रखा हुआ था, ये खुल जाती है पूरी, बट मैंने कहा अब बड़ी हो जाएगी फिर बैठ नहीं पाएगी तो अब बुलाई होगी, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया था। तो चलिए आगे चलते हैं। ये फ्रिज रखा है मेरा, फ्रिज पे कुछ ये सामान, साबुन, कपड़े धोने के, बर्तन धोने के, ये कुछ दवाइयाँ, दीवू का पिगी बैंक और ये कुछ पेंसिल वगैरह, रबड़ वगैरह, ये ऑल आउट नमक वमक के डब्बे वब्बे और ये कांटे वाले चम्मच, ये सब फ्रिज पे दवाइयाँ मैंने इसलिए रखी है कि दीवू की बहुत से दूर रहे और इसमें भी कुछ ना कुछ सामान है। तो ये मेरा फ्रिज। तो यहाँ से मैं आपको किचन दिखा देती हूँ अपनी। ये है मेरी किचन, यहाँ पे कुछ मेरे ये छोटू कढ़ाई, कड़छी, छन्नी, बहुत सारा आप देख ही सकते हो, कुकर के ढक्कन वक्कन सब कुछ, ये चम्मच का स्टैंड है, ये देखो
मोस्टली यूज होता है ये, इसलिए मैंने यहीं पर रखा हुआ है। और ये कुछ प्याले जो ऊपर इस तरीके से मैंने टांग रखे हैं, और ऊपर ये सामान चीनी, चाय पत्ती, ऑयल, नमक, ये सारे छोटे 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 जो मसाले हैं ये सब ऐसे रखे हैं। सिंपल सी है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ चलते हैं तो फिर एक डोर और आ जाता है, बहुत सारे दरवाजे मैंने घर में, तो इसको ओपन करूंगी। तो ये मेरा ड्राइंग रूम, ये मेरा ड्राइंग रूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मैंने टेबल चेयर व्यू की लगा रखी है, वैसे नहीं लगती लेकिन मैं इनका चलो लगा देती हूँ आज। तो यहाँ पर टेबल चेयर और ये ऊपर यहाँ काम करती है हमारे लिए। तो और ये लुक दिखाती हूँ मैं, अब दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे कमरे का कुछ इस तरीके से लुक है। सोफा रखा हुआ है, सामने अलमारी है। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं इस तरफ से चलती हूँ पहले। तो ये बेड है, आपने देख लिया, बेड पे ट्राईपॉड रखा हुआ मैंने, और एक मेरा फ़ोन है, और ये दीव का टॉय है। और ये बेड मेरी मदर इन लॉ का है, बहुत पुराना है, देखने में मुझे ऐसा लग रहा होगा बट सही है। और पीछे बोर्ड है एक, और पेंटिंग लग रही है। और यहाँ पे मैंने ये होल्डर टांग रखा है, थ्री सेक्शन वाला होल्डर टांग रखा है। तो इसमें कॉम वगैरह दी होगी, छोटे मोटे सामान वो सब मैंने रखे हुए हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे एक मेरी फ़ोटो लग रही है, मैं आपको फ्लैश कैमरे से दिखाती हूँ। ये मेरे फर्स्ट करवा चौथ की फ़ोटो है, मैंने अपना शादी का लहंगा पहना था अपने फर्स्ट करवा चौथ पे, तो इसको मैंने यहाँ पे रखी हुई है। और सेकंड मेरे करवा चौथ पे क्या हुआ था, सेकंड मेरे करवा चौथ पे मैं प्रेग्नेंट थी, और मेरी जो मदर इन लॉ थी वो हॉस्पिटल में थी, तो मैंने तब फोटो नहीं खिंचवा पाई थी। और ये यहाँ पे मैंने होम थिएटर रखा हुआ है, और इसके ऊपर दी हुए टॉय, यहाँ पे भी टॉय ऊपर टंग रहे हैं ऐसे साइड में। रखी हुई है ये भी मेरी मदर इन लॉ की है, तो बहुत पुरानी अलमीरा है उनकी शादी की ही मान लीजिए आप। और ये दियो की एक डॉल जिसका एक हाथ ही नहीं है, वॉच। और ये अगेन राधा कृष्ण की पेंटिंग। और ये मेरा सोफा नीचे जो आप रोज ही देखते हो। मैं एक सेकंड लाइट जला देती हूँ एक और, ताकि अच्छे से रोशनी सी हो जाए। हाँ आप देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक टेडी बियर रखा हुआ है, और उसके ऊपर एक डॉगी रखा हुआ है। और ये मैंने एक सूटकेस पे रखा है, सूटकेस में मेरे जो समर के कपड़े हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरी चप्पल वगैरह रखी हुई है। अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी चीज ये देखो, ये मेरा वॉलपेपर है। फोटो ये है मेरी, ये मेरे जब मैं प्रेग्नेंट थी मेरी गोद भराई के दिन की है ये मेरी फोटो। और ये भी मेरी फर्स्ट करवा चौथ की है, ये मैंने घर में खिंचवा ली थी, बट जब बाहर स्टूडियो में फोटो खिंचवाने जा रही थी तो मैंने चूड़ी सारी उतार दी थी। और ये मेरी दिया है जो आधे घंटे बाद की फोटो है, दियू की दिया के होने की फोटो है। ये मेरी एंगेजमेंट की फोटो है मेरे हस्बैंड की, और ये हमारी शादी से पहले की फोटो है। शादी से पहले देखो हम
पतले पतले से थे बहुत। तो ये मेरे को बहुत पसंद है, ये फोटो मैंने बहुत मन से लगाई है, और भी बहुत सारी फोटो है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। सो ये मेरा ड्राइंग रूम है, आपको मैं यहाँ से दिखा दूँ, ये मेरा पूरा ड्राइंग रूम का लुक है, जहाँ से मैं रोज बैठ के लाइव आती हूँ। तो आप लोग सोचते होंगे कि यही मेरा एक कमरा है, तो चलिए ये इस तरफ देखो, इस तरफ एक कमरा है, तो यहाँ चलते हैं। यहाँ पर एंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पर ये जो ये सब रखा हुआ है, दीयू के ड्रम के अंदर खिलौने हैं, इस बाल्टी में खिलौने हैं, और ये जो दरवाज़ा है इसके पीछे शॉपर बैग टंग रहा है, और दीयू का वॉकर टंग रहा है, अम्ब्रेला टंग रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें ये दरवाजे के पीछे अच्छी लगती है। मेरा छोटू सा मंदिर है, बहुत ही छोटा सा मंदिर है, जो मैंने एक शेल्फ पे पार्टीशन करके थर्माकोल लगा रखा है, पार्टीशन करके पीछे इसके इन्वर्टर रखा हुआ है, ये देखिए इन्वर्टर रखा हुआ, और ये कुछ पूजा का सामान ये ऊपर शेल्फ में ऐसे रखा हुआ है, और नीचे इसको देख लीजिए, नीचे देखिए घोड़ा रखा हुआ है, दीपक झूला रखा हुआ है, नीचे बाल्टी में अगेन इसके खिलौने हैं, ऊपर पॉलिथीन में खिलौने हैं, और ये इसका लाइट है, शादी की अलमीरा है। ये वाला जो सेक्शन है ये मेरा है, और ये मेरे हस्बैंड का सेक्शन है, जो अभी भी मेरे हस्बैंड के कपड़े रखे जाते हैं। इसमें नीचे हमने कुछ हैंड वॉश वगैरह है, या फिर कुछ गर्म पट्टी वगैरह, ये दवाइयाँ वगैरह, इसमें मैंने ये सब रख रखा है। नीचे शूट रखे जिसमें शूट रखे नहीं जाते हैं, और ऊपर देखो, ऊपर मैंने दीयू की ये बग्गी रखी हुई है, जब ये छोटी थी तब काम आती थी, तो मैंने इसके सारे कपड़े वपड़े निकाल कर दीयू का गद्दी वद्दी निकाल के वो लगा रखा है। तो अंदर चलो, अंदर एक कमरा और है, सो चलिए रूम में। तो ये है मेरा बेडरूम, बेडरूम में जाते ही सबसे पहले यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे से फोटो निकल गई है, तो इसको मैं लगाऊंगी, ये मेरी शादी से पहले की फोटो है, ये मेरी शादी से पहले ही फोटो। तो ये फोटो जो है मेरी शादी से पहले की है, और मैं स्कूल में पढ़ाती थी तो तब की है, मेरे स्कूल में कैजुअल ड्रेस चल जाती थी, जरूरी नहीं स्कूल वगैरह पहने टीचर, तो बस ये स्कूल में ही बच्चों वाले झूले पे बैठे हुए हैं, और ये भी मेरी स्कूल की फोटो है, और ये सगाई की फोटो है मेरे हस्बैंड की। तो अब मैं दिखाती हूँ रूम का पूरा लुक। तो सामने जो है कूलर लगा हुआ है, और ये बोर्ड लगा हुआ है, ये ऊपर टीवी का बोर्ड था, नीचे कूलर का मैंने लगाया था, क्योंकि पहले यहाँ टीवी लग रहा था, जो मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ के, जब ये वाटरमेलन लगाया ना, यहाँ बैठ के देखते थे टीवी, और ये देखो फैलाना भी शुरू हो गई है, दियो मत करो बेटा। तो इससे पहले कि ये बिल्कुल कबाड़ा मचा दे, मैं फटाफट से आपको रूम टूर करा देती हूँ। तो ये मेरा बेड है, ये देख लीजिए कुछ ऐसा, ऊपर ये दो विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और सगाई की फ़ोटो है मेरी, और एक शादी की फ़ोटो है, माता की चौकी की फ़ोटो मैं लगा नहीं पाई थी, मतलब बनवाई ही नहीं थी, बेड पर मैंने कुछ खिलौने सजा रखे हैं, पतलू जो है वो पतले बन के चंगा जो भी होश हो गया गिर भी गया है, और टेडी बियर वगैरह न्यू देखो फैलाना शुरू कर दी है। जो टेबल है इसमें चार्जर और ट्राईपॉड स्टैंड बहुत कुछ रखा हुआ मैंने इसमें निकाल दिया, देखो न्यूज़पेपर आज का, डायरी, ये सब रखा हुआ है, इसको चाहिए होगा कुछ ज़रूरी काम होगा इस मैडम का। और ये इनकी फ़ोटो रखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर सोती हूँ तो इनको यहाँ पर लेकर सोती हूँ मैं। और ये एक छोटू बोर्ड मेरे हस्बैंड के लिए था, ये चार्ज पे लगा के फ़ोन चलाने की आदत नहीं होती। और ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ऊपर एरोप्लेन रखा है दीयू का, ये देखो फैलाना शुरू हो गई, देखो देखो सामने के सामने। और ये मेरी बॉटल मेंटेन की, इसमें ठंडा पानी ठंडा ही रहता है, गर्म लागू गर्म ही रहता है, तो गर्मियों के लिए बेस्ट है। और ये दीयू के नाइसिल का पाउडर, जॉनसन का पाउडर, ये टॉय फॉग, और ये जॉनसन का लोशन, और ये डबी कोन, और ये है
फोटो है और ये इनकी मम्मी की, इनके छोटे भाई की और इनकी फोटो। और ये मैं आपको बताऊँ बी और एम का मतलब, बी का मतलब बंटी और एम का मतलब मेघा। तो इनका घर का नाम बंटी था और ये पर्दा हटा रखा है अभी। तो ये अलमीरा है एक, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये एक अलमीरा है जो ऐसे कुछ बनी हुई है। तो पर्दा वगैरह हो जाता है, अच्छी लगती है। तो यहाँ पर टीवी लगा रखा है मैंने, ये सेटअप बॉक्स है मेरा और ये टीवी, सामने रैक लगी हुई है, रैक में मैंने लगा रखा है रिमोट वगैरह, हैंडसेट बॉक्स वगैरह और भी छोटे छोटे सामान। और यहाँ पर ये है एक्स्ट्रा बिस्तर है, एक्स्ट्रा तकिया, गोल तकिया, चद्दर जो डेली यूज में बिछाई जाती है वो है। और नीचे है दीयू का खजाना, इसके शूज जो बहुत ही पसंद है मुझको भी और दीयू को भी, बहुत शौक है जूते पहनने का, जूते चप्पल पहनने का। तो बस यही है ये, और ये मैडम भी खड़ी हो गई देखो। सो ये था मेरा रूम पूरा, ये देखो ऐसे 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 दिखा देती हूँ मैं, ये मेरा पूरा रूम। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मैं ऐसे ऐसे वापस जाती हूँ पूरा दिखाते हुए। तो यहाँ पे मैंने स्टीकर लगा रखा, ये जब शादी हुई थी ना तब से लग रहा, 4 साल हो गए इसको लगे हुए। खुदाई वाले ने भी लगी होम टूर बनाने में यार, जो भी होम टूर बनाता है ना सच में मेहनत लगती होगी, एक तो बिल्कुल क्लीन करने में और दूसरा वीडियो बनाने में, थोड़ा बोलने में धीरे धीरे, और ऊपर से दीयू को कंट्रोल में करने को। आपको पता है मुझको छोड़ती नहीं है, तो उसको बातों में लगाया बाहर बच्चों ने बस। तो मिल गया आपको मेरा होम टूर, अच्छा लगा होगा होप सो, होप सो। बड़े घर जिनके हैं उनको कहाँ अच्छा लगा होगा, मेरे छोटा सा घर है ना, कोई नहीं, ये मेरा घर, मेरे हस्बैंड का घर है, मुझको बहुत अच्छा लगता है, होते तो और अच्छा होता। फिलहाल ये मेरा घर है, अपना घर है मेरा। और कई लोग पूछते हैं कि आपका रेंट का घर है या कुछ है, तो मेरा ये मेरा अपना खुद का घर है, खुद का घर है, मेरे हस्बैंड का घर है, मेरा खुद का घर है, मैं इसका कोई किराया नहीं देती हूँ, मैं कुछ नहीं देती हूँ, ये हमारा घर है, मेरा और दीयू का घर है।